Hey guys, welcome back to the channel. I am Saloki and you are watching Arcade Beat channel. So guys, आप लोग सरप्राइज होंगे यार, इतना सारा सामान क्या पड़ा है. गाइस, ये मेरा सारा स्टेशनरी का सामान है जो मैंने अपने 5 years के कोर्स में बाय करा था. और आज इस वीडियो में मैं अपना सारा सामान आपको दिखाने वाला हूँ. और ये वीडियो दो पार्ट में रहेगी. फर्स्ट पार्ट में मैं जितना भी ड्राफ्टिंग टूल्स हैं वो दिखाऊंगा, और सेकेंड पार्ट में जितना भी कलरिंग का रेंडरिंग का जो सामान होता है वो दिखाऊंगा. तो वीडियो में बने रहिए, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, ड्यूरिंग आर्किटेक्चर जर्नी हमको काफ़ी सारा स्टेशनरी का सामान बाय करना पड़ता है. तो सबसे पहले मैं आपको अपने स्टेंसिल्स दिखाता हूँ. ये वाला कोई भी सर्कल बनाना हो, अलग अलग डाया के सर्कल्स हैं ये वाले, ठीक है. ये वाला कर्व के लिए, कुछ भी डिज़ाइन में कर्व मारना हो हमको तो वो हम ये चीज़ यूज़ करते हैं. ये स्टेंसिल, ये सारे कर्व के स्टेंसिल्स हैं. ये भी, फिर ये वाला लेटर लिखने के लिए, जो शीट का जो फॉर्मेट होता है उस पर लास्ट में लेटर्स लिखने होते हैं जो भी शीट का टॉपिक है, तो उसके लिए भी एक स्टेंसिल यूज़ करनी पड़ती है ताकि पूरा प्रिसाइज रहे और ढंग से हो जाए टॉपिक. फिर दूसरी स्टेंसिल है हमारे फर्नीचर की. फर्नीचर की स्टेंसिल हमारी अलग अलग स्केल की आती है. ये 1:50 की स्केल है, ये वाली हमारी 1:100 की स्केल है. दोनों में सेम फर्नीचर्स हैं लेकिन बस स्केल का फ़र्क है तो साइज़ भी डिफरेंट ही है. तो ये सब हमको खरीदना पड़ता है. नेक्स्ट चीज़ हो गई हमारी सेट स्क्वायर. इसके थ्रू हमको BC की जितनी भी शीट्स होती हैं वो इसके थ्रू ही बनती हैं. इसमें एंगल आप सेट कर सकते हैं इसके थ्रू. तो ये वो हो गया, ठीक है. अब ये नॉर्मल स्केल है, मेटल स्केल. इससे जितनी भी कटिंग करनी पड़ती है मॉडल्स की उसमें ये यूज आती है. दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ये कटर, ये तो आप सब जानते होंगे. कटर सबसे ज़्यादा यूज में आता है क्योंकि जब हम आर्किटेक्चर करते हैं ना तो हमको शॉर्पनर यूज़ करने के लिए मना करते हैं. तो जितनी भी पेंसिल शॉप होती है ना वो सब कटर से करते हैं. और यस, शीट की कटिंग करने के लिए भी यही काम आता है. और ये मेटल की स्केल, क्योंकि ये वाली जो स्केल्स होती है दूसरी वो कट जाती है. अब इस पर आई गए तो अब इसके बारे में बता देता हूँ. ये है हमारी ट्रायंगुलर स्केल. इसमें अलग अलग स्केल्स लिखी हुई है, 1:20, 1:10, ऐसे करके बहुत सारी स्केल्स लिखी हुई है ताकि आप उस स्केल का मेजर करके कोई भी ड्राइंग बना सकते हो. तो एक ये भी आपको खरीदना पड़ता है. इन सब के आइटम्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं, ठीक है. ये हो गया, ये तो आप जानते होंगे, टेप है ये हमारी मेजरिंग टेप. कुछ भी हमको मेजर करना पड़ता है, हम मेजर ड्राइंग का जो भी काम होता है उसमें बहुत काम आती है मेजरिंग टेप. दूसरी चीज़ आप ये भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि बार बार कटर खरीदने का कोई सेंस नहीं. तो ये ब्लेड्स भी मिलती है बाज़ार में अलग से, तो आप ये ब्लेड्स अलग से बाय कर सकते हैं. अब शीट्स की बात करें तो शीट्स में ये हमारी ट्रेसिंग शीट्स होती है जिस पर हम हमारा रफ डिज़ाइन जो भी होता है जो टीचर से डिस्कस करना होता है वो इस शीट पे ही करते हैं. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई. दूसरी, ये होल्डर, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यार शीट को कॉलेज में हाथ में ले जाना इज़ वेरी रिस्की, क्योंकि वो फट जाती है या कुछ भी मतलब दिक्कत होती है. तो उसके लिए होल्डर खरीदते हैं और ये इसके फॉलो अप और अंदर डाल सकते हो. गाइस, एक बहुत गजब की चीज़ दिखाता हूँ. आप लोगों ने नॉर्मल कंपास देखे होंगे, इस टाइप के कभी भी कंपास नहीं देखे होंगे. ये बहुत ही यूनिक है. इस टाइप का एक कंपास है और इसमें आपको एक्सटेंशन मिल जाता है, ये लंबा हो जाता है, छोटा कर सकते हो. बहुत ही हैंडी है, इसके बहुत सारे एक्सटेंशंस मिले हुए हैं हमें. और ये चीज़ भी आपको ख़रीदनी पड़ेगी क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी शीट्स पे आपको इतने बड़े बड़े सर्कल ड्रॉ करने पड़ते हैं, तो नॉर्मल कंपास से बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता. तो एक ये भी खरीद सकते हैं आप. अब गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज आर पैरेलल बार. ये सबसे ज़्यादा काम आता है क्योंकि ये हमारी ड्राफ्टिंग टेबल पे प्लेस होता है और ये आगे पीछे करके हम
स्ट्रेट लाइन कर सकते हैं और ये एक स्ट्रिंग के थ्रू टाइड रहता है। मैं आपको सब कुछ अच्छे से दिखाता हूँ, मेरी ड्राफ्टिंग टेबल और ये पैरल बार। गाइज इस तरह से पैरल बार हमारा मूव होगा और इसमें हम ये जो सेट स्क्वायर है इसको यहाँ पर प्लेस करके ऐसे स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं या फिर इधर से हमको ड्रॉ करना है या फिर कोई एंगल मारना है। तो ये हमारा ऐसे ओपन हो जाएगा। ओपन करके हम ऐसे एंगुलर भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर सारे एंगल्स प्रोवाइडेड है। ठीक है, सो गाइस मैं आपको अपनी ड्राफ्टिंग टेबल दिखा देता हूँ कि ये कैसी है। सबसे ऊपर तो ये बोर्ड एक लगा हुआ है और ये पूरी मॉड्यूलर एक ड्राफ्टिंग टेबल है। इसको मैं जिस पोजीशन में चाहूँ वैसे मैं प्लेस कर सकता हूँ। अब ये जो यहाँ पर जो ये नॉब है, ये दो नॉब, एक नॉब है इसके मूवमेंट के लिए और ये वाला जो नॉब है इसको ऊपर नीचे करने के लिए। ठीक है, ऊपर करना है, मैंने दोनों ओपन करे, जितना ऊपर हो गया ऊपर करके इसको घुमाया, लॉक करते ही हम यूज कर सकते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन में ड्राफ्टिंग कर सकते हैं हम। ये मूवमेंट मेरी है इसकी, मेरे पैरल बार के ये सेट स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को अपना नीचे करना है, दिक्कत हो रही है, ये खोला नीचे आ गया, नीचे थोड़ा सा और घुमाना है, सेट, वेरी इजी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे स्ट्रिंग लगा रखी है इसमें। इसमें एक्चुअली दो थंब पिन लगा रखी है, एक यहाँ पर थंब पिन है और एक उधर है उस कॉर्नर में और आगे भी है दो, उसको मैंने एक स्ट्रिंग से टाई कर रखा है और स्ट्रिंग इधर पूरा मूवमेंट है। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इसकी अलग से वीडियो डाल दूंगा, तो कमेंट कर देना नीचे। ठीक है, तो बस ये था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नए हो तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करो और इसका सेकंड पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलना। उसमें अपने जितने भी रेंडरिंग का सामान है वो सब मैं दिखाने वाला हूँ। सो गाइस प्लीज स्टे ट्यून। चलो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय बाय गाइस। Thank you.